देखिए एट द टॉप ऑफ लूप इधर कर देता हूं, एट द टॉप ऑफ लूप। वंस अगेन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो आप ऐसा कैसे ही लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं, बस वैल्यूज में थोड़ा फर्क आ जाएगा। कैसे भाई? इनिशियल काइनेटिक, यहां टॉप ऑफ लूप है, इधर मैं पार्टिकल ड्रॉ करूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इधर मैं लिख देता हूं इसकी वेलोसिटी v2, हाफ एम वी टू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू आर। इस बार पोटेंशियल एनर्जी इधर टू आर हाइट पर है, इसलिए अब एम जी एच की जगह एट आर लिख दू, एच की जगह एट आर, तो ये एट एम जी आर हो गया, एट एम जी आर माइनस टू एम जी आर, 6 mgr into 2, 12 mgr, mm cancel, 12 gr, v2 square is 12 gr, v2 square is 12 gr। यहां हमने वेलोसिटी डिटरमाइन कर ली इस पॉइंट पर, जैसे इधर हमने v1 square डिटरमाइन करा था, इसी तरह से इधर हमने V2 square determine कर लिया। अब नॉर्मल रिएक्शन लिखने के लिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं वंस अगेन इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। मुझे इस बार mg नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड और mv square by r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m v2 square by r, और नॉर्मल रिएक्शन इस बार नॉर्मल टू लूप ऐसा हो। तो इस बार जो मैं लिखूंगा नॉर्मल रिएक्शन प्लस एमजी इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर, और नॉर्मल रिएक्शन प्लस एमजी इज इक्वल टू 12 mgr। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन को n डैश लिख देता हूं, n डैश, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन n डैश कम्स आउट टू बी 11 mg। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस इज at the bottom and this is at the top of loop. ये bottom of loop, ये top of loop। पूरे problem को solve करने का तरीका बड़े ध्यान से देखो। अब मैं एक problem आपको assignment के लिए देता हूं, उसको आप करके फिर मुझे सॉल्व करके देना, सबमिट करना, आई विल सी कितने लोग सबमिट करेंगे। पहले इसे नोट डाउन कर लो, मैं असाइनमेंट देता हूं। दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और इस स्प्रिंग के ऊपर भी आइडेंटिकल ब्लॉक
एम मास का ही रखा हुआ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसकी नेचुरल लेंथ है एल। अब मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से समझना। इस स्प्रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स गिन लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्न्स के स्प्रिंग में लगी। मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, नीचे वाला ब्लॉक नीचे ही है, मास m, और स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया और इस तरह से यह सिचुएशन बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। L माइनस x और अब मैंने क्या करा, इन दोनों ब्लॉक को एक धागे से बांध दिया। इन दोनों ब्लॉक को एक धागे से बांध दिया। पहले तो स्प्रिंग को एक्स से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद दोनों ब्लॉक करीब आ गए, एक्स से करीब आ गए। अब इसके बाद इन दोनों ब्लॉक को हमने धागे से बांध दिया। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, माचिस की तीली जलाता हूं, माचिस की तीली जलाता हूं और उस माचिस की तीली से इस धागे को जला देता हूं। जैसे ही मैं माचिस की तीली जला के इस धागे को जलाऊंगा, ये धागा टूट जाएगा और जैसे ही धागा टूटेगा वैसे ही यह मास ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर उछलेगा। इफ द थ्रेड इज बर्न, दिस थ्रेड इज बर्न, इसके बर्न करते से ही ये ऊपर ब्लॉक उछला। नाउ द क्वेश्चन इज, टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट lower block never bounds। ये जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है इसकी मिनिमम, सॉरी मैं मिनिमम कर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैं गलत बात बोल रहा हूं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम बोलना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स उससे ज्यादा यदि आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो नीचे वाला ब्लॉक बाउंस कर जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट लोअर ब्लॉक नेवर बाउंस। और फिर इसका बी पार्ट, इफ x is equal to 7mg/k then maximum, नहीं यार ये आप अगला पार्ट नहीं कर पाओगे, अगला पार्ट छोड़ देता हूं, अभी तो आपसे पहला पार्ट करो।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वह मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे कि लोअर ब्लॉक कभी भी बाउंस नहीं करे। देखिए सिचुएशन क्या है, फिर एक और बार समझाता हूं मैं। यह मास एम ऊपर रखा हुआ और ये नीचे रखा हुआ, दोनों स्प्रिंग से बंधे हुए, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ये मास नीचे है, ये मास ऊपर है। अब हम इस मास को दबाते हैं, इस मास को दबाने से स्प्रिंग कंप्रेस होगी। हमने स्प्रिंग को एक्स से कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग उसकी नेचुरल लेंथ से एक्स से कंप्रेस हो चुकी है, और इस कंप्रेस्ड सिचुएशन में हमने इन दोनों मास को धागे से बांध दिया। तो जब तक धागा है तब तक तो सिचुएशन बिल्कुल स्टैटिक है, कोई कोई समस्या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम है। मगर अब हमने क्या करा, माचिस की तीली जलाई और माचिस की तीली से इस धागे को जला दिया। जैसे धागे को जलाया धागा टूट गया, जैसे धागा टूटा तो ऊपर वाला मास ऊपर उछला। इफ द थ्रेड इज बर्न्ड, अब जब ऊपर वाला मास ऊपर उछलेगा तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि यह नीचे वाला मास भी ऊपर उछल सकता है। नीचे वाला मास कभी भी ऊपर उछले नहीं, इस सिचुएशन के लिए एक्स की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो। असाइनमेंट में आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊं, बना सोचो क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, सोचा चालू करो। नाउ लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम की इस प्रॉब्लम में जो लॉजिक लगाएंगे, पहले तो बाउंस कब होएगा, कैसे होएगा। जैसे ही आपने, मुझे थोड़ी स्पेस इधर चाहिए और लेट मी रीड्रॉ द प्रॉब्लम एंड क्रिएट द स्पेस। मैं अलग अलग सिचुएशंस बता देता हूं और यह मैंने ओरिजिनल एक फिगर बनाया था, इधर मैं एक और फिगर बनाऊंगा, इधर मैं एक और फिगर बनाऊंगा और इधर मैं एक और फिगर बनाऊंगा। इस तरह से चार अलग अलग सिचुएशंस दिखा रहा हूं। यह तो वह नेचुरल कंडीशन है जो सबसे पहला फिगर मैंने बताया था, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार सात, ठीक है ना, एल एम और एम। और इधर मैंने इसको कंप्रेस करके एक फिगर बनाया था, एक दो तीन चार पांच छह सात। थ्रेड को बर्न कर दिया, थ्रेड को बर्न करने के बाद में नाउ व्हाट हैपेंस, यह मास अब ऊपर की ओर जाने लगेगा, यह मास ऊपर की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग उसको ऊपर की ओर फेंकेगी। यहां कंप्रेस्ड स्प्रिंग इसको ऊपर की ओर फेंक रही है, अब यह लेंथ एल ही होगी, फिर वापस यह मास ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगा। अब इधर तक आते आते इस मास के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और उस वेलोसिटी की वजह से यह मास फर्दर ऊपर जाने लगेगा और अल्टीमेटली यह स्प्रिंग एलोंगेट होने लगेगी। मास के बाउंस करने की सिचुएशन इसलिए बनेगी क्योंकि स्प्रिंग
जो कंप्रेस्ड थी वह इस मास को ऊपर फेंकेगी, यह मास ऊपर फेंकाते हुए ऊपर जाने लगेगा और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर आने के बाद भी यह मास ऊपर की ओर जाता जाएगा और उसकी वजह से यह स्प्रिंग एलोंगेट होने लगेगी। अभी इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर रखा है एल माइनस एक्स से और यह एलोंगेट हुई। अब खास बात, जब धागे को बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद जब यह मास ऊपर फेंकाने लगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो रिमेन कंजर्व। अब सबसे पहले मास के बाउंस होने की कंडीशन को सोचते हैं, मास बाउंस कैसे होएगा। मैं फ्री बॉडी डायग्राम लोअर ब्लॉक का बनाता हूं। यह जो नीचे वाला ब्लॉक है यह है, ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस मास को ऊपर ले जाने वाला, ऊपर खींचने वाला, ऊपर बाउंस करवाने वाला फोर्स कौन सा है? इस मास को ऊपर की तरफ बाउंस करवाने वाला फोर्स कौन सा हो सकता है? कौन सा ऐसा फोर्स है? एमजी तो नहीं ले जाएगा, एमजी तो इसको नीचे खींचता है, इसको ऊपर की तरफ बाउंस करवाने वाला फोर्स कौन सा हो सकता है? दैट वुड बी डेफिनेटली द फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग। यह स्प्रिंग इस मास के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगेगी। यह एलोंगेटेड स्प्रिंग के एक्स डैश से इसको ऊपर की तरफ खींचने लगेगी। यह एलोंगेटेड स्प्रिंग पर के एक्स डैश से फोर्स ऐसे और ऐसे लगना चाहिए, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पर के एक्स डैश से फोर्स ऐसे लगाएगी और एक नॉर्मल रिएक्शन एन होगा। यह लोअर ब्लॉक और यह स्प्रिंग, और क्यों ना अपर ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। अपर ब्लॉक का मैं इधर ही फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। यह अपर ब्लॉक, इस अपर ब्लॉक को स्प्रिंग के एक्स डैश से ऐसे खींचेगी और एक एमजी फोर्स नीचे की तरफ, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होएगा अपर ब्लॉक पर। और वो अपर ब्लॉक के हमको फ्री बॉडी डायग्राम की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब मैं लोअर ब्लॉक के लिए जो कंडीशन हमने कही है, लोअर ब्लॉक नेवर बाउंस, उसके लिए कंडीशन लिख रहा हूं। लोअर ब्लॉक वुड नेवर बाउंस इफ नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। लोअर ब्लॉक पर यह जो नॉर्मल रिएक्शन है, यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होती है तो लोअर ब्लॉक कभी भी बाउंस नहीं करेगा, ये कभी भी बाउंस नहीं करेगा। हमेशा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जमीन से ही मिल रहा है, वो जमीन से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू हो गया, मतलब जमीन के साथ में संपर्क, जमीन के साथ में कॉन्टैक्ट हमेशा बना हुआ है, तो कभी बाउंस नहीं कर रहा। अब
normal reaction is equal to mg minus kx. And this thing must be greater than equal to 0. Here x dash is the elongation. यह तब होना चाहिए जब अपर ब्लॉक रेस्ट पर भी होना चाहिए इस समय पर. यदि अपर ब्लॉक इसके ऊपर फर्दर जा रहा है, दिस एग्जैशियस मैक्सिमम एलोंगेशन, यह व्हेन एग्जैश इज मैक्स, एग्जैश मैक्स एलोंगेशन, जब एग्जैश पूरी तरह से ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गई और अपर मास जो है वो भी रेस्ट पर आ गया. इस समय पर यदि अपर मास रेस्ट पर नहीं है तो वो भी ऊपर खींचेगा. फिर तो अब हम कहते हैं दिस इक्वेशन मीन्स दैट mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू kx'. अब हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा लें, क्योंकि इधर से इधर तक थ्रेड को बर्न करने से लेकर मैक्सिमम एलोंगेशन तक, जब इस समय पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है और ऊपर जाना बंद हो चुका है, एनर्जी का कहीं कोई लॉस नहीं हुआ है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. इस समय पर मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी जीरो है इनिशियली, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है. अब देखिए इधर पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है, एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ही हमें अकाउंट करना पड़ेगा. लोअर मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कभी भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, अपर मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अपर मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्चुलाइज करने के लिए मैं इसे रेफरेंस बना देता हूं. दिस इज द रेफरेंस. तो इस सिचुएशन में मैं सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा हाफ की एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज ड्यू टू कंप्रेशन. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कही जाएगी क्योंकि लोअर मास के लिए यही रेफरेंस है और अपर मास के लिए इसे ही रेफरेंस बनाया. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन एक्स से कंप्रेस्ड है तो हाफ के एक्स स्क्वायर. अब यह फाइनल कंडीशन है. इस फाइनल कंडीशन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास तो ये भी रेस्ट पर ही है और मैक्स एलोंगेशन पे के सिचुएशन में यह ब्लॉक भी रेस्ट पर ही है. जब मैक्सिमम एलोंगेशन है तब यह भी रेस्ट पर क्योंकि ये तो जमीन से चिपका हुआ है, और मैक्स एलोंगेशन के केस में यह भी रेस्ट पर क्योंकि यह भी मैक्सिमम एलोंगेशन जब हुआ और इसको रेस्ट पर आना ही है क्योंकि इसकी कुछ भी वेलोसिटी हुई तो फर्दर और ऊपर होगा तो ऊपर इसको उठा ही लेगा. और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा फाइनली, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. हम कहते हैं इस केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एलोंगेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एलोंगेशन हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी इंटू हाइट एच. अब एच कितना है, देखिए पहले एक्स से कंप्रेस्ड था फिर एक्स डैश से यह एलोंगेट हो गया, तो इनफैक्ट ये एक्स प्लस एक्स डैश से ऊपर चला गया. पहले एक्स से कंप्रेस्ड था तो पहले तो नेचुरल लेंथ पर आएगा, नेचुरल लेंथ पर आने के लिए एक्स से ऊपर जाएगा, फिर नेचुरल लेंथ पर आने के बाद एक्स डैश से फर्दर और ऊपर गया इसलिए एक्स डैश से एलोंगेट हो गया.
तो ओवरऑल से इतना हाइट ऊपर चला गया MGH, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या यह इक्वेशन लिखना समझ में आ रही है? इन्हीं सब इक्वेशन को, इन्हीं सब चीजों को लिखना ही एक चैलेंज होता है वर्क पावर एनर्जी में। जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो इन्हीं सब बातों को सोचना। अब एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या कहेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स डैश स्क्वायर प्लस एम जी एक्स प्लस एक्स डैश। अब एक जस्ट बाउंसिंग कंडीशन, जस्ट बाउंस वाली कंडीशन के लिए मैं एट जस्ट बाउंसिंग एक्स डैश इक्वल टू एम जी बाय के, तो वो एक्स डैश की वैल्यू में इधर रख देता हूं एम जी बाय के हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के इंटू एम जी बाय के स्क्वायर प्लस एम जी एक्स प्लस एम जी बाय के। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हुई दिखेगी, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हुई दिखेगी एक्स स्क्वायर में। देखिए किस तरह से हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के इंटू थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए। एक्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसके लिए हम सॉल्व करते हैं माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो प्लस फोर ए की जगह पर हाफ के और सी की जगह पर थ्री बाय टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के अपॉन टू के रिस्की। सॉल्व करने पर यू विल गेट x इक्वल टू थ्री एम जी बाय के। आप सॉल्व करके देख लीजिए x इक्वल टू थ्री एम जी बाय के आना चाहिए। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। इसी के साथ वर्क पावर एंड एनर्जी के जो कुछ कंसेप्ट मुझे बताने थे, कुछ प्रॉब्लम्स मुझको सॉल्व करके दिखाने थे कुछ अलग अलग टाइप के, मैंने यह जो प्रॉब्लम कराए ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, इनफैक्ट दे आर प्रॉब्लम्स फ्रॉम आईई इरोडोव फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को लेकर, एक बाइबल मानी जाती है, एक बहुत अच्छी बुक है, उसी के कुछ एक दो प्रॉब्लम्स मैंने अभी कराए हैं। और इस तरह के, इस लेवल के प्रॉब्लम्स यदि हम इसको सोचना समझना इनको सॉल्व करना सीख जाए, यदि आप इस तरह के प्रॉब्लम स्वयं से सॉल्व करने लगे, देन देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस लिमिट इन आईआईटी जेई। यदि आप इस तरह के प्रॉब्लम स्वयं से सोच पाते हो, स्वयं से सॉल्व कर पाते हो, तो डेफिनेटली आप आईआईटी जेई 100% क्रैक करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करोगे। अब आप स्टडी पैकेज करो, जितने प्रॉब्लम्स कर सकते हो करो, जो जो आ गए बहुत अच्छी बात, जो नहीं आते हैं उनको आप क्लास में लेकर आओ, हम विल डिस्कस देम, विल सॉल्व देम, और हम इस चैप्टर को अब इसके बाद आपके द्वारा रेज करे गए डाउट से ही फर्दर समझेंगे।